उदाहरण 8। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश एवं 60 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। हल। माना कि PQ एक प्रकाश स्तंभ है, इससे X मीटर दूरी पर एक भवन AB है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, अतः QB बराबर X मीटर, AB बराबर 12 मीटर। प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन के शिखर व तल का अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। कोण APX बराबर 45 अंश तथा कोण BPX बराबर 60 अंश एवं माना PR बराबर H। समकोण त्रिभुज PRA में टेन 45 अंश हम लेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में टेन 45 अंश, लंब हमारा है PR बटा आधार हमारे पास है RA त्रिभुज में, या टेन 45 अंश का मान एक होता है हम जानते हैं, बराबर PR के स्थान पे हम PR लिखेंगे और RA को हमने X माना है, तिर्यक गुणा करेंगे तो PR का मान हमें प्राप्त होगा X गुणा 1 बराबर X। इसीलिए H PR का मान H है, PR को हमने H माना है तो H बराबर X हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज PQB में लेंगे जहाँ पे टेन 60 अंश बराबर, फिर से हम टेन थीटा जो होता है वो लंब है हमारे पास, यहाँ लंब हमारे पास PQ है क्योंकि त्रिभुज हमारा PQB है, तो लंब हमारा PQ हुआ और आधार हमारा QB है, या हम जानते हैं टेन 60 अंश का मान जो है वो वर्गमूल 3 बराबर PQ का मान जो है हमारा PR धन RQ है, तो PR जो है हमारा H है और RQ हमारा 12 है, तो H धन 12 बटा X। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 X बराबर H धन 12। आगे देखते हैं, हमने ज्ञात किया था वर्गमूल 3 X बराबर H धन 12, X का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा, क्योंकि X H के बराबर है तो ये वर्गमूल 3 X के स्थान पर हम H लेंगे बराबर H धन 12, या यहाँ पे हम H का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 3 H ऋण H बराबर 12। H का उभयनिष्ठ निकालेंगे हम दोनों पदों से, तो H कोष्टक में वर्गमूल 3 ऋण 1 कोष्टक बंद बराबर 12, या H बराबर वर्गमूल 3 ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे हम तो 12 बटा वर्गमूल 3 ऋण 1, या H बराबर 12 वर्गमूल 3 ऋण 1। यहाँ पे हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये वर्गमूल 3 ऋण 1 का परिमेयीकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 धन 1 बटा
वर्गमूल 3 धन 1। यहाँ पे हमने हर का परिमेयीकरण किया है, या h बराबर 12 कोष्टक में वर्गमूल 3 ऋण 1 बटा, यहाँ पे हम a ऋण b, a धन b का सरसमीका का प्रयोग कर रहे हैं जो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a वर्गमूल 3 का वर्ग, ये a है हमारा a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो b हमारा 1 है इसका वर्ग। या आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर, या h बराबर 12 कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 बटा 3 ऋण 1। h बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो यहाँ 6 और कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 कोष्टक बन, ये h का मान मीटर में प्राप्त हुआ 6 कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर पी आर धन आर क्यू है। यहाँ पे हमने ज्ञात किया है पी आर का मान 6 कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 जो ये h है, और हमने पी आर क्यू का मान 12 है, या कोष्टक को खोलेंगे हम तो 6 वर्गमूल 3 धन 6 धन 12 बराबर 6 वर्गमूल 3 धन 18। यहाँ पे हम दोनों पदों से 6 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 3 मीटर हमें प्राप्त हुआ प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। क्योंकि x बराबर h, इसलिए x बराबर 6 कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 मीटर है, और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई छः कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 3 मीटर तथा भवन की दूरी छः कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 कोष्टक बन मीटर होगी। तो इस तरह से हमने प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात की एवं भवन की दूरी भी ज्ञात की। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।